चलिए बात करते हैं अगली खबर का। बालाघाट में जहां इतवारी बाजार में आग लग गई और आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। देर रात की ये पूरी घटना है जहां पर शॉर्ट सर्किट से इतवारी बाजार में आग लग गई और आग में 5 दुकानों को भारी नुकसान हुआ है और 20 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए, 20 लाख का सामान जलकर खाक हो चुका है। इतवारी बाजार में ये भीषण आग लगी है। देर रात 2 से 3 बजे ये आग लगी है और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से आग लगी। 5 दुकानों को इस आग में भारी नुकसान हुआ है और दुकानों में रखा सामान, 20 लाख रुपए तक का सामान जो यहां रखा हुआ था दुकानों में, वो जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आग की ये तस्वीरें हैं। इतवारी बाजार में ये आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह यहाँ बताई जा रही है, जिस वजह से आग लगी। 5 दुकानों को भारी नुकसान हुआ है और 20 लाख तक का जो सामान है वो जलकर खाक हुआ है। तो इतवारी बाजार में भीषण आग लगी और आग में ये भी बता दें कि सब्जी की दुकान, बेकरी और होटल सहित 5 दुकानों को भारी नुकसान हुआ है और 20 लाख का सामान जलकर खाक हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी भानिश साकुरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। भानिश, जानना चाहेंगे आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स? जी नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में आग लगी हुई है और आग लगने की वजह फायर सर्किट बताई गई है। आग लगने से लगभग 5 दुकान है और 5 दुकानों में जो सामान रखा हुआ था, इसमें बेकरी है, सब्जी भाजी है और अन्य सामान उस पर रखे हुए थे, पूरे जल करके खाक हो गए। लगभग 20 लाख रुपए के एक अनुमान क्षति का अनुमान लगाया गया है इस पे और फायर ब्रिगेड पहुंचा था, उन्होंने आग बुझा करके उसको काबू में किया था, जिसके कारण क्या दुकानें और नहीं जल पाई है। जी जी बिल्कुल भानिश, जनहानि तो कोई नहीं हुई है इस आग में? नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, बस आर्थिक नुकसान हुआ है इनको। जो सब्जी थोक सब्जी व्यापारी हैं, उनके जो बही खाता है वो, जिसमें लाखों रुपए का लेन देन था, वो भी जल करके पूरा राख हो गया है। दुकान में जो बाइक रखी हुई थी, दो बाइक भी पूरी जल करके राख हो गई है उसमें। जी चलिए, शुक्रिया भानिश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, जनहानि कोई नहीं हुई है लेकिन दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। 2 लाख तक का यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है और ये भी बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बाज़ार में आग लगी थी। इतवारी बाज़ार की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बालाघाट से जहाँ पर देर रात भीषण आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालाँकि जनहानि कोई नहीं हुई है और 20 लाख का सामान इस आग में जलकर खाक हो चुका है।